नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कहाँ अशोक कुमार, से आए हो? कांगड़ा से। ये आपको ये भगंदर की जो दिक्कत थी ये कितनी देर से थी? अभी 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने। फिर जब आपको पता चला कि भगंदर की दिक्कत है, फिर आपने क्या किया? मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, पहले तो ये थोड़ा सा दिमाग मेरा अपसेट हो गया था, ऐसे ऐसे लगता था कि कुछ अंदर से काट रहा है दिमाग, बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। डॉक्टर साहब को यहाँ फोन किया, सरगंज में इन्होंने बात की, इनको यहाँ मेहता राणा हॉस्पिटल का आपको किसने बताया? मेरे को पता था पहले तो, और इंटरनेट से भी देखा था, और पिछले साल में आया भी था अच्छा, दूध किसी को लेकर। और मरीज को लेकर आए थे? ठीक हाँ जी, है, फिर उसके बाद आप यहाँ राणा हॉस्पिटल में आ गए। फिर यहाँ पे आपके साथ कैसे हुआ सारा काम? क्या अच्छे से काम हो रहा। किया कि डॉक्टर साहब से मिले पहले, फिर बताया डॉक्टर साहब को हाँ जी, दिक्कत अपनी आ रही? प्रॉब्लम बताई, फोन पे भी बता दी थी कि ऐसे ऐसे मैट्रिक को धागा डाला है और मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ आपके पास कि नहीं, ये नहीं हो कि मैं वहां से भी चला आऊँ और यहाँ हाँ मेरा काम ना हो। हाँ बिल्कुल सही है। फिर तो क्या पूछा बोला डॉक्टर कि साहब ने? आप आ जाओ, निश्चिंत होके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं यहाँ पे चला आया। फिर आके यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने चेक किया, क्या बताया फिर डॉक्टर साहब ने? ये तो जख्म बाप काफी बढ़ गया है, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। फिर चेकअप वगैरह किया, टेस्ट लिए, फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हो गया आपका? ऑपरेशन हुआ यहाँ राणा हॉस्पिटल में, तो आपको कैसा फील हुआ? कोई तकलीफ हुई ऑपरेशन में? नो, कोई बिल्कुल नहीं पता प्रॉब्लम चला। बिल्कुल भी पता नहीं लगा। ठीक है, ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ ऑपरेशन के बाद में तो वो तो थोड़ी बहुत हल्की सी हल्की फुल्की पेट का रही? दर्द और जैसे पेट आपका कल ऑपरेशन कमर हो गया को। था, हाँ जी, रात को खाना वाना खाया पेट भर के, सुबह आप टॉयलेट चले गए, पेट साफ हो गया, कोई किसी तरह की दिक्कत? पेन है हल्की फुल्की, पता नहीं, वो जो पहले का बिगड़ा हुआ है हाँ। उसकी वजह से ज्यादा है या क्या है, ये वो तो मैं धीरे नहीं कह धीरे ठीक सकता, हो जाएगा। क्योंकि वो जख्म बहुत ज्यादा है। यहाँ पे राणा हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई परेशानी आई हो? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। ठीक रहा आपके हिसाब से? हाँ जो जी, आप अपने घर से सोच के आए थे, सब कुछ आपको वैसा ही मिला? खुश हाँ जी, हो आप राणा हॉस्पिटल की सर्विस से? हाँ भैया जी, खुश रहिए। जी, आपके जैसे बहुत पेशेंट हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं, लेकिन कोई डर के मारे, कोई शर्म के मारे इस चीज़ का इलाज नहीं करवाता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से उनको एक मैसेज दो कि उनको, जिनको ये दिक्कत है, उनको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जिनको भी ये फिस्टुला या बवासीर की प्रॉब्लम है, तुरंत होते ही डॉक्टर को दिखाएं, आपस में बातचीत करें, अपने बड़े बुजुर्गों से जो इसके बारे में जानकारी रखते हों, फिर अपना समय से इलाज कराएं और दिखाएं। पर मेरी सिचुएशन यही है कि वो कसार सूत्र वाली पद्धति में ना जाए, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा लंबा समय भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। इस दर्द को सहना जो एक नामुमकिन सी बात है, जो करते हैं या करवाते हैं वो पता नहीं कैसे सहन करते हैं। आप राणा हॉस्पिटल की सर्विस से खुश हो? हाँ जी, चलो, थैंक यू। राणा हॉस्पिटल की यही है रीत, फिस्चुला पर होगी सदा ही जीत।